देखो, बीमारियों के मैंने तीन मुख्य कारण कहे थे, एक जेनेटिक वंशानुगत, प्रारब्ध दोष बोलो उसको, कर्माशय बोलो, जो नाम दो, एक जेनेटिक होती है, दूसरा हम खुद उसके कारण होते हैं। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स, उसके हम खुद कारण हैं। एक कारण प्रारब्ध, दूसरे कारण हम स्वयं हैं। अव्यवस्थित जीवन जीते रहते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। और तीसरा फिर बाह्य कारण होते हैं, पॉल्यूशन है, एडल्टेशन है, एयर वाटर सोयल सब कुछ पॉल्यूटेड हो गया है, ग्रीन्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब जो हम खा रहे हैं उसमें बहुत शुद्धता नहीं है, तो अशुद्धि होगी तो उससे रोग होंगे। तो योगी शुद्धता के प्रति भी जागरूक होता है, स्वयं को पूरी तरह से साध लेता है और प्रारब्ध जनित दोषों को भी दूर कर लेता है। इसको योग में बहुत बड़ा शब्द का महर्षि पतंजलि ने प्रतिप्रसव योग, जन्म जन्मांतरों की जो शरीर में, इंद्रियों में, चित्त में, माने स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, कोष में भी कोई दोष है उसको भी दूर कर लेता है योगी। देखो, पंच तत्वों से शरीर बना है, पंच प्राण, पंच उप प्राण है इसमें, पंच कोष है इसमें, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय है, अष्ट चक्र है, नौ द्वार हैं, 72,72,10,201 नाड़ियाँ हैं। पहला धरातल है शरीर, फिर इंद्रियां, फिर हमारा चित्त, फिर प्राण और फिर आत्मा और फिर सर्वव्यापक एक परमात्म तत्व तो है ही, ब्रह्म तत्व, जो इस जगत में मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त विश्व में विश्वातीत है, ये पूरी संरचना है। अब ये जो प्राणायाम है, ये आपके चेतना के सारे धरातलों को शुद्ध करता चला जाता है।